नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकवकराज चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2019 जॉब भर्ती प्रोसीज में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित ही हमारा टॉपिक नंबर 7 है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो भी स्टडी कर रहे हैं वीडियो को पूरी कर देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए, ठीक है। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रूल्स बता देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन रूल्स, फर्स्ट नंबर आता है सेंटेंस कनेक्टेड, यानी कि जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा फ्रेंड्स वो हमारा सेंटेंस से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और नंबर दो पर होना चाहिए फ्रेंड्स कौन नहीं है, यहाँ पर काट दीजिए इसको, यहाँ पर इक्वल, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन सेंटेंस के यानी कथन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस अभ्यास की भी बात होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ट्रूथ, जो हमारा कंक्लूजन होगा फ्रेंड्स उसमें सत्य बात कही गई हो, ठीक है। और प्रैक्टिकली वो होना चाहिए, नॉट ड्रीमिंग, यानी कि ड्रीम स्वप्न में कोई ऐसी बात ना कही गई हो कि ऐसा हो सकता है या हुआ है, ऐसी बात कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए फ्रेंड्स वो रेस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको ऐसे रूल्स याद रखने होंगे। और उसके बाद यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास, उन्होंने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और इसके स्थान पर छात्रों की वास्तविक योग्यता आंकने के लिए अन्य पद्धतियों को अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बल दिए जाने वाली बात हो रही है, परीक्षा को समाप्त करने की कोई बात नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड, यहाँ पर वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों को वास्तविक योग्यता का आंकलन नहीं करती, तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल यहाँ पर साबित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल सेकंड अनुसरण करेगा, ठीक है, सेकंड निष्कर्ष यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वास्तविक योग्यता, यहाँ पर वास्तविक योग्यता की बात कही है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को हल कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, और जो बच्चे बोलते थे कि हमें वहाँ पर कैसे लिखना है, तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से वहाँ पर डेफिनेशन इसकी बनाकर लिख देनी है, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी अच्छी बात कही है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। निष्कर्ष में क्या निकलता है, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह और स्वस्थ लोग रहने की बात यहाँ पर कोई बात ऐसी नहीं कही है, ठीक है। और उसके बाद शाम की सैर हानिकारक है, तो फ्रेंड्स ये भी बात यहाँ पर नहीं कही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे, अर्थात डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जो बच्चे बोलते थे कि हमको किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो कि हमारे NTPC ऑनलाइन परीक्षा 26 अप्रैल 2018 सेकेंड पाली में, यानी कि अन्य पालियों में, डिफरेंस पालियों में आए हुए हैं, इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, कथन में कहा है। और उसके बाद राजन अच्छी तरह से कमाता है, ठीक है। और निष्कर्ष में राजन एक कर्मचारी है और राजन स्वयं कार्यरत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिखा देते हैं। डायरेक्ट आंसर में क्या बताया है, यहाँ पर डी आंसर होगा। डी आंसर कैसे होगा, प्रश्न कथन के अनुसार कर्मचारियों की अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है और राजन अच्छी तरह से कमाता है, से न तो फर्स्ट निकलता है और न ही सेकंड, यानी कि दोनों में से कोई से भी मैच नहीं खाता, ठीक है। अब देखते हैं, युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो ये कथन कहा गया है और निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, युवा को नहीं पता कि वे किस पर विश्वास किया जाए, किस पर विश्वास करे या किस पर ना करे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बात, विश्वास करने की तो हो ही नहीं रही, तो पहला तो बिल्कुल 100% गलती हो जाएगा। कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कहा है, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब वे अपने भविष्य से भटक जाएंगे, भटकें किस कारण से, जब उनको बुरी संगत का इफेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा यहाँ पर अनुसरण करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में लिखना है तो इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहने वाला है, निष्कर्ष में निकलता है आत्मनिर्भर बनना असंभव है। और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, असंभव और आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, ठीक है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है, ये तो बात बिल्कुल गलत होगी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है और यहाँ पर बोल रहा है मानवीय श्रम मशीनी की तुलना में अधिक उत्पादक है, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर सेट नहीं बैठता। तो कहने का मतलब दोनों ही हमारे गलत हो जाएंगे, तो सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दालों कीमतें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, लोग दालें नहीं खरीद सकते, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग बैठती है,
ठीक है। इसके बाद देखते हैं दालें एक दुर्लभ वस्तु बन गई है, तो फ्रेंड्स दुर्लभ की भी यहाँ पर कोई बात नहीं कही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता, कुछ चीज़ें धन नहीं खरीद सकता जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि, तो फ्रेंड्स बात बहुत अच्छी कही है यहाँ पर। और निष्कर्ष, धन सब चीज़ें खरीद सकता है, बिल्कुल गलत, यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात हुई है, सब चीज़ों की तो बात हुई नहीं। ठीक है, धन कुछ चीज़ें खरीद सकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस वाले में पावर बनती है, तो बी आंसर यहाँ पर क्लियर बन जाएगा। कुछ चीज़ें में शिष्टाचार आ जाएगा, नैतिकता आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित की गई। ठीक है, पुस्तकों की कीमत एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं यहाँ पर, आम आदमी प्रदर्शनी से सिर्फ पुस्तकें खरीदते हैं, बिल्कुल गलत, खरीदने की बात और प्रदर्शनी का कोई यहाँ पर कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, और महंगी पेंटिंग आमतौर पर, पेंटिंग और आर्ट गैलरी का भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही गलत हो जाएंगे, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, नंबर दो पे आता है, जिसमें से 147 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए, निष्कर्ष क्या निकलता है, टीम में 70% स्पिनर थे, बिल्कुल गलत, यहाँ पर स्पिनर की 70% की कोई ऐसी बात हुई नहीं, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, तो फ्रेंड्स बल्लेबाज और स्पिनर का भी कोई संबंध यहाँ पर नहीं बताया गया है कथन में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया परंतु धन नहीं, यानी कि क्या कहा फ्रेंड्स यहाँ पर, यहाँ पर कहने की बात आई है फ्रेंड्स, भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया, समय तो एक साथ वितरित कर दिया एक समान, परंतु धन नहीं, लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर इसकी भरपाई कर दी है, ये न देकर ज्ञान दे दिया है। ठीक है, निष्कर्ष, भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण न करके न्याय नहीं किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात में कुछ सच्चाई यहाँ पर बैठ जाती है। ठीक है, बैठती है नहीं बैठती, देख लीजिए आप, भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण ना दे करके न्याय नहीं किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्याय की कोई बात ऐसी नहीं कही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पहले वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंध करने के सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंध किया जा सकता है, सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, बुद्धि का ज्ञान करने के साथ साथ ही जब बुद्धि में ज्ञान होगा फ्रेंड्स, यानी कि माइंड के अंदर ज्ञान होगा, तभी वो पैसे का प्रबंध कर सकता है, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर आपको हल करना है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, सभी आम सुनहरे रंग के हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात कही यहाँ पर कथन में, कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं होती, तो ये भी बात सही कही फ्रेंड्स यहाँ पर। और निष्कर्ष यहाँ पर क्या निकल कर आता है फ्रेंड्स, निष्कर्ष निकल कर आते हैं हमारे पास, तो सभी आम सस्ते हैं, तो फ्रेंड्स ये बात इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, सभी आम सस्ते हैं, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर सस्ते की और सभी आम की कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं होती, तो ये बात यहाँ पर मेल खाती है, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट, बी आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सेकंड जो हमारा निष्कर्ष निकल कर आता है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डी पर है, तो कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, निष्कर्ष से मतलब है कि निष्कर्ष हमारा कौन से नंबर पर बनता है। इसके बाद कथन, सभी यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले तो हम मैच जीत जाएंगे, काफ़ी अच्छी बात कही है, हमने मैच जीत लिया है। दूसरी बात में निष्कर्ष में क्या निकल कर आता है, सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, तो फ्रेंड्स इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि यहाँ पर क्या है, पूरी क्षमता से खेलते हैं, तो ये खेलने की बात कही है, पूरी क्षमता से, तो पहले वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुछ खिलाड़ी भी पूरी क्षमता से नहीं खेलते, तो फ्रेंड्स कुछ खिलाड़ियों की पूरी क्षमता से खेलने की कोई यहाँ पर कोई बात ऐसी कही नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो सेकेंड फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ए उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA HR संबंधी प्रवेश समिति द्वारा MBA HR में कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ़ किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए क्या है, MBA निष्कर्ष में MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR से में पूर्व अनुभव होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्व अनुभव की बात कही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व
अनुभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ़ किया गया है, यानी कि माफ़ भी किया गया, माफ़ भी कर दिया गया फ्रेंड्स, और अनुभव होने की बात कही है। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कौन सा यह आएगा, खिलाड़ियों को जायज तरीकों से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर कथन में सही गई है, एक्स वाई जेड नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन उसे एक निश्चित दवा के प्रभाव में पाया गया। तो ये भी बात यहाँ पर क्लियर कही है। निष्कर्ष में देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष में क्या कहा गया है। ठीक है, एक्स वाई जेड नाम के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आरोप की कोई बात ऐसी नहीं कही है, तो पहला वाली बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल सही कही है, ये बात तो बिल्कुल सही कही फ्रेंड्स। यहाँ पर एक्स वाई जेड नाम खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत था, गलत था तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई गलत किसी बात नहीं कही है, तो पहला तो गलत हो ही जाएगा। सेकंड में देखते हैं, एक्स वाई जेड नाम खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स एक्स वाई जेड नाम खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया। जब निषिद्ध दवा के प्रभाव में पाया गया तो फ्रेंड्स उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सही कही है, तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लिए फ्रेंड्स निष्कर्ष क्या निकलता है, कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। जब उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, कौन, स्वदेशी उत्पादन की तुलना में कच्चे तेल की मांग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, लगातार शारीरिक व्यायाम के माध्यम से एक भारोत्तोलक अधिक वजन उठाने के लिए अपनी अक्षमता को बढ़ाता है। इसी तरह लगातार सांस लेने के व्यायाम के माध्यम से प्राचीन ऋषि असाधारण मानसिक योग्यता प्राप्त करने की अक्षमता रखते थे। निष्कर्ष निकलता है, लगातार मानसिक व्यायाम अधिक वजन उठाने में सक्षम बनाता है, और शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए मस्तिष्क के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष निकलेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए डी आंसर निकलेगा। डी किस तरीके से, कथनानुसार लगातार शारीरिक व्यायाम करने से शारीरिक अक्षमता बढ़ती है, लेकिन निष्कर्ष फर्स्ट, लगातार मानसिक व्यायाम से शारीरिक अक्षमता बढ़ती है तर्कसंगत नहीं है, तथा सेकंड में क्या होता है, लगातार शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए मस्तिष्क के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई सा भी नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा डी आंसर, यानी कि न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, एक विज्ञापन कहता है 6 महीने में अपने पैसे 3 गुना करे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात कहती है आगे, आश्वासन वास्तविक नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आश्वासन और वास्तविकता की कोई बात यहाँ पर नहीं गई है, पहला गलत हो जाएगा। लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, देखना कब जाएंगे, जब 6 महीने में पैसे 3 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला पावरफुल लगता है, तो सेकंड यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, कुछ चॉकलेट कड़वे, कुछ मीठे, कुछ का खट्टा स्वाद होता है, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं और कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कौन सा निष्कर्ष निकल कर आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं, डार्क चॉकलेट की कहाँ बात कही है फ्रेंड्स, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं, और यहाँ पर कहा है सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विपरीत बात की है, तो 100% यहाँ पर गलत होने वाला है। ठीक है, कम से कम मीठी चॉकलेट होती है, एक मीठी चॉकलेट होती है जो कि सफ़ेद होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा है कि कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है, तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा आएगा, आज हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं फ्रेंड्स, और यदि आपको लिखना है वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में, तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, एक बगीचे में आम, सागौन, नीम, नारंगी, नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ लगे हैं। आम का पेड़ 7 मीटर लंबा, नारंगी का पेड़ उसकी ऊंचाई का आधा, और नारियल का पेड़ आम के पेड़ की ऊंचाई का 3 गुना है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर बगीचे का सबसे ऊँचा पेड़ नारियल का
पेड़ है अनुसरण कौन सा यहाँ पर कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। दिए गए कथन के अनुसार सागौन, नीम व ताड़ के पेड़ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। निष्कर्ष सेकंड, स्पष्ट रूप से नहीं निकलता। तो यहाँ पर कौन सा निकलेगा फ्रेंड्स, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, यानी कि नारंगी में नारियल की औसत ऊंचाई देख लीजिए यहाँ पर 7+3.5+21 यहाँ अपॉन 3 ये आ जाएगा। औसत कितना 10.5 मीटर, जो कि निष्कर्ष फर्स्ट से पृथक तक, अतः विकल्प डी सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि यहाँ शिक्षकें मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। निष्कर्ष में क्या निकलता है, सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षकें अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड देखते हैं, सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। तो एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पर कथन को, अधिकांश लोग अपने बच्चों को नामांकन निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूलों की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर होने की वजह से यहाँ पर नामांकन करा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, ये बात कोई ऐसी नहीं कही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो निकल कर आता है फ्रेंड्स, वो सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही कही है यहाँ पर, यानी कि ए आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निष्कर्ष ए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर हल करना है फ्रेंड्स, उसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में इस तरीके से आपको एक्सप्लेन वहाँ पर करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।